Hello friends, welcome to my channel Sam's Creation 786. The new viewer who are watching my video, please do like and subscribe. Friends, in today's video, I'm going to show you easy tutorial of a cutting and stitching of a flower girl dress in a very simple way. So watch full video. The measurements taken in the video are for a 10-year-old girl. So I have stitched this frock for a 10-year-old girl. So let's get started. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने साटिन मटेरियल में कपड़ा ले लिया है। सो मटेरियल को मैं इस तरह से 2 में फोल्ड कर लूँगी, इस तरह से। यहाँ पे मैंने मटेरियल का एंड ले लिया है। मैं यहाँ पे 30 इंच का चेस्ट साइज रख रही हूँ। दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन मार्क करके कट कर लूँगी। यहाँ पर मटेरियल को मैं फिर से 2 में फोल्ड कर लूँगी, इस तरह से। यहाँ पे फ्रॉक की पेटी का लेंथ मुझे 11 रखना है, इस वजह से मैं 2 इंच बढ़ा करके मार्किंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मटेरियल को मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं नेक साइज 2 इंच का रख रही हूँ और शोल्डर साइज 3 इंच का रख रही हूँ मैं। शोल्डर जहाँ पे एंड किया, वहाँ से एग्जैक्ट स्ट्रेट हम एक 7 इंच की डिस्टेंस पर मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से स्लाइटली कर्व शेप में मैं मार्किंग कर लूंगी। और इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक साइड दोनों ही अलग कर लेंगे, इस तरह से। यहाँ पे मैं बैक साइड का नेक मार्क कर रही हूँ। 2 इंच की डिस्टेंस पे मैंने मार्किंग कर ली और यहाँ से 5 इंच की डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे वी शेप में नेक मार्क कर रही हूँ, इस तरह से। यहाँ पे मैं फ्रंट साइड का नेक मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सेम मेजरमेंट लिया है। 2 इंच से यहाँ पे मैंने दिया था और 5 इंच वहाँ पे डिस्टेंस रखी थी। इस तरह से मैं कर्व शेप में मार्क कर लूँगी और यहाँ से स्लाइट वी शेप दूँगी। इस तरह से मैं फ्रंट और बैक दोनों ही नेक कट कर लूँगी। कट होने के बाद हमारा फ्रंट नेक ऐसा दिखेगा और ये है बैक नेक। नेक कट होने के बाद जो कपड़ा बचा था, उसे हम कपड़े पे रख के शेप कट कर लेंगे, इस तरह से। मैं लाइन में शेप कर लूँगी ड्रॉ और उसे कट कर लूँगी। और कट होने के बाद हमारी पट्टी इस तरह की दिखेगी, वी शेप में। पट्टी को हम लोगों ने कपड़ों के ऊपर रख के इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट नेक है। इस तरह से शेप देके मैं इसे कट कर लूँगी और इस पट्टी को हम कपड़े पे रख के स्टिचिंग कर लेंगे। और स्टिचिंग करने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। यहाँ पे आर्म होल के बीच से मैं एग्जैक्ट एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी कर्व शेप में, इस तरह से। इससे फ्रॉक में लुक अच्छा आता है। और इस तरह से मैं स्टिचिंग कर लूँगी इसको। फ्रॉक को अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे मैं बॉक्स प्लेट्स बना रही हूँ। इस तरह से हम लोगों को दोनों ही तरफ से मटेरियल को फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। और उसे मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी। इस तरह से मैं सारे ही प्लेट्स बना लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों ही तरफ के बॉक्स प्लेट्स बना लिए, फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड से। सो अब मैं अपर पार्ट और नीचे के फ्लेयर को अटैच कर लूँगी। फ्रंट और बैक साइड दोनों के ही फ्लेयर को मैंने अटैच कर लिया है। नेक स्टिच कर लिए फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड के। अब मैं यहाँ पे शोल्डर अटैच करूँगी। स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा सेट कर लिया है। 4 इंच के मैं यहाँ पर स्लीव्स रख रही हूँ और उसे मार्किंग करके कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने राउंड सर्कल में एक कपड़ा ले लिया है, बड़ा सा बो बनाने के लिए। सारे ही साइड्स को मैं हैंड स्टिच कर लूँगी, इस तरह से। और यहाँ जो मैंने हैंड स्टिच करी है, उसको मैं पुल करके सारे मटेरियल को एक तरफ कर लूँगी, इस तरह से। थ्रेड पुल होने के बाद इस तरह का दिखेगा। अब दोनों ही साइड से मैं इस तरह का करके स्टिचिंग कर लूँगी।
और ये जो हमें ऊपर से दिख रहा है इस पर मैं एक बो लगाऊंगी। देखिए प्लेट्स कितनी अच्छी तरह से आई है इसमें। यहाँ पे बेल्ट मैं रेडी कर रही हूँ, इस तरह का मैंने स्टिचिंग कर लिया, मिडल से मैं कट कर लूँगी। ये मैंने छोटा सा बो लगा लिया है इसको छुपाने के लिए, और ये बेल्ट भी अटैच कर लिए इस तरह से। ये मैंने छोटे छोटे रोजेज बना लिए थे, इसे मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी। ये देखिए फ्रॉक में मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए, नेक स्टिच हो गया है, प्लेट्स डाल लिए मैंने, फ्लेयर अटैच कर लिया है इस तरह से। देखिए लुक कितना अच्छा लग रहा है फ्रॉक का। यहाँ पे मिडल में मैं बो अटैच कर लूंगी। ये हमारा फ्रॉक का फ्रंट साइड है, और यहाँ पे भी मैं इस तरह के फ्लावर्स अटैच कर लूंगी। और ये हमारा फ्रॉक रेडी टू वेयर है। इस तरह की इजी सिंपल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।